वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा उनवान है थर्ड कंडीशनल। वी नॉर्मली यूज़ थर्ड कंडीशनल व्हेन वी आर क्रिटिसाइजिंग पीपल, जब हम लोगों को क्रिटिसाइज करें, पॉइंटिंग आउट देयर मिस्टेक्स, उनकी गलतियां बताएं, एक्सप्रेसिंग रिग्रेट अबाउट द पास्ट, माजी के बारे में कोई काम जब कोई माजी में मुमकिन था, पास्ट में हमने नहीं किया, अब हम पछता रहे हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं थर्ड कंडीशनल। इसका फॉर्मूला है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट और मेन क्लोज में वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर हम इट इज़ नॉर्मल टू यूज़ शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव इंस्टेड ऑफ वुड हैव। वुड हैव की जगह हम शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई हैड वन द लॉटरी आई वुड हैव हैड अ मिलियन। अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मेरे पास एक मिलियन होते। आप वुड हैव की जगह कह सकते हैं आई शुड हैव हैड अ मिलियन, मेरे पास होने चाहिए थे एक मिलियन। आई कुड हैव हैड अ मिलियन, मेरे पास हो सकते थे एक मिलियन। आई माइट हैव हैड अ मिलियन, शायद मेरे पास एक मिलियन होते। इफ़ आई हैड बॉट अ लॉटरी टिकट आई माइट हैव वन। अगर मैं लॉटरी टिकट ख़रीदता तो शायद मैं जीत जाता। तो माइट हैव की जगह आप कुड हैव, शुड हैव, वन भी कह सकते हैं। मीनिंग ज़रा ज़रा सी बदल जाती हैं, स्लाइटली। अदर एग्ज़ाम्पल्स, इफ़ आई हैड सीन मेरी आई वुड हैव टोल्ड हर, या आई शुड हैव टोल्ड हर, आई कुड हैव टोल्ड हर, आई माइट हैव टोल्ड हर। इफ़ नताशा हैड बीन फ्री यस्टरडे आई वुड हैव इन्वाइटेड हर, या आई शुड हैव इन्वाइटेड हर, आई कुड हैव इन्वाइटेड हर। इफ़ दे हैड नॉट पास दियर एग्ज़ाम दियर टीचर वुड हैव बीन सैड, या दियर टीचर कुड हैव बीन सैड, दियर टीचर माइट हैव बीन सैड। इफ़ जिम हैड बीन मोर सॉफ्ट हार्टेड मैरी वुड नेवर हैव लेफ्ट हिम, या मैरी कुड नेवर हैव लेफ्ट हिम, या मैरी शुड नेवर हैव लेफ्ट हिम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।